युवा साथियों, जब घर से निकले था तो एक संवाद कार्यक्रम दिया गया था कि सरकार तक एक मैसेज पूछे मेरे युवा साथियों का, कि पिछले कई सालों से भर्तियां निकल मिलती मरती है, इसके अलावा जो नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं हम, चाहे ऊर्जा विभाग की जो 9000 पदों पर घोषणा की गई थी जिसमें टेक्निकल हेल्पर हो, जेविंगन की भर्तियां हो, ऑफलाइन एग्जाम कराने का मामला हो, परीक्षा केंद्र राजस्थान में देने का मामला हो, चाहे रीड शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने का मामला हो, चाहे फर्स्ट एड की विज्ञप्ति जारी होने का मामला हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे कृषि प्रेक्षक हो, चाहे डीएलबी की भर्तियां हो, चाहे कंप्यूटर शिक्षक भर्तियां हो, तमाम विभागों में जो रिक्त पदों पर भर्तियों की विज्ञप्तियों का इंतजार आज युवा प्रदेश का इंतजार कर रहा है। सबसे बड़ा दुख है कि प्रदेश की भर्तियों में बाहरी राज्यों के लोग आके और राजस्थान के बेरोजगारों का हक मारने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमने एक योजना बनाई है कि फरवरी में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और युवा साथियों से हम संवाद करें। मुझे सबसे अच्छा लगा कि पाली के बाद जब मैं जालौर की सीमा में प्रवेश किया तो मुझे आप लोगों का इतना मान सम्मान मिला जिसके लिए मैं अभिभूत हूँ। चाहे मुझे आहोर में, चाहे जालौर में, अब दोबारा आपके जालौर में दूसरी जगह युवा साथियों का इतना सहयोग मिला, मान सम्मान मिला। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके अधिकारियों के साथ यदि खुटार बात होगा तो मैं वादा करता हूँ मैं जान दे दूंगा, लेकिन पीछे हटूंगा। सबसे बड़ी बात है कि अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। गलती अधिकारी करते हैं सजा बेरोजगारों को, क्यों उनको खिलाफ उनकी जिम्मेदारी तय की जाए कि भाई तू गलती करेगा तो तेरे खिलाफ कार्रवाई होगी। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे भर्ती छह महीने होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पूरी और पेपर लीक और फर्जी डिग्रियों का जो मामला चल रहा है बेरोजगारों का, खास करने वाले सामने आए, सरकार को एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा, परीक्षा प्रणाली मजबूत करनी होगी कि परीक्षा से पहले पारदर्शिता होनी चाहिए। अफवाहें फैलती है, ऑडियो चलता है कि 10 लाख में 5 लाख में पेपर और सेंटर 20 डिग्रियों के मामले आते हैं, उनको नकेल कसनी होगी, उनको जेल में डालना होगा। ऐसा सिस्टम विकसित करना होगा कि बेरोजगार विश्वास के साथ तैयारी कर सके। जब आपको पता लगता है भर्ती रद्द हो गई है या पेपर लीक किया, कितना दुख होता है कि नहीं होता है? गुस्सा करना होगा, लेकिन ये सरकार तक मैसेज पहुंचाने के लिए प्रदेश के हर कोने कोने में युवाओं से मैं संवाद कर रहा हूँ और प्रबोध में एक बड़ा मापदंड डाल रहे कि तमाम लंबित भर्तियां पूरी हो, नई भर्तियों की विज्ञप्ति जारी की जाए, इसके अलावा अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाए और बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त किया जाए और जो परीक्षा प्रणाली मजबूत की जाए, जो जेल में जाता है, जो पकड़ा जाता है दोबारा, जो इस पेपर लीक प्रकरण को अपना उद्योग धंधा समझता है दोबारा उस काम में लग जाता है, लेकिन जो तैयारी करने वाले युवा बेरोजगार, आप किसी किसान आम आदमी के बेटे पिताजा महाराज के नहीं हो, आपको पता है कैसे तैयारी कर रहे हो, कहाँ से माँ बाप अपना कर्जा देकर आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज जो दयनीय स्थिति बेरोजगारों की हो रही है, जिसके जिम्मेदार वर्तमान सिस्टम और ये नेता लोग हैं, इन नेताओं को वर्तमान सिस्टम को सबक सिखाना होगा और सबक सिखाना है तो आप लोगों को जागना होगा और जगाने के लिए प्रदेश के हर कोने में मैं युवाओं से संवाद कर रहा हूँ और फरवरी में एक बड़ा मापड़ा जयपुर में डालने वाले हैं। हम चाहते हैं कि प्रदेश के बेरोजगार को न्याय मिले। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार आपने देखा होगा माटी कला बोर्ड, केस कला बोर्ड, अलग अलग बोर्ड बना दिए, हम चाहते हैं कि राजस्थान का युवा बोर्ड बने। राजस्थान में उपरी नियंत्रण और राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की आवश्यकता नहीं होगी। यदि किसी की समस्या होगी, चाहे एनबीसी के 4% का जो मामला जो लंबित है, चाहे लंबित भर्तियां हो, वो संबंधित भर्तियों के अभ्यर्थी सीधा वहां आयोग होगा तो वो रिटायर्ड जज को बनाया जाए जिसको न्याय के मंदिर से वो रिटायर्ड होकर आता है तो बेरोजगार को न्याय दे सके वो, और प्रतिनिधि अधिकारी मंत्री जो आईएएस अधिकारी साथ बैठे, एक एडवोकेट साथ बैठे, ऑन द स्पॉट समस्याओं का निस्तारण होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे अपनी बात तो रख सकते हैं, कोई भी जाके कहे भैया मेरी ये समस्या है और वो अधिकारी उस दिन टाइम फिक्स कर दे कि भैया इतनी तारीख को आप आ जाए, रीट वालों को बुलाया, वहाँ आईएएस अधिकारी मौजूद होगा, शिक्षा मंत्री मौजूद होगा, रिटायर्ड जो जज साहब मौजूद होंगे और वहाँ कहेगा भैया क्या समस्या है, ऑन द स्पॉट समस्या होती है, बेरोजगार को जानने का हक है कि मेरी समस्या का निस्तारण क्यों नहीं हो रहा, मेरी भर्ती क्यों नहीं हो रही, मेरी विज्ञप्ति जारी क्यों नहीं हो रही, मुझे रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, मुझे बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं मिला। जानने का अधिकार भी है, मांगों को पूरा कराने का अधिकार है, इसलिए आप लोगों को अधिकारों के, अब हमें इस लड़ाई को लड़ना होगा हमारे अधिकारियों के लिए, हमारे स्वाभिमान के लिए, क्योंकि अब हमें जागना होगा। ये लड़ाई प्रदेश की नहीं है, केंद्र सरकार ने भी 2 करोड़ की घोषणा की गई थी कई भर्ती आज वो लंबित है। हमें रोजगार चाहिए, नेताओं को तो रोजगार मिल रहा था, एमएलए एमपी बन जाते आराम से घूमते, 5 साल का रोजगार मिलता है, लेकिन ये निश्चित है 2023 में यही बेरोजगार जो 200 एमएलए है, 25 एमपी है, उनमें से 75% से ज्यादा लोगों को बेरोजगार करने की काम राजस्थान की बेरोजगार करेंगे। बेवकूफ बनाने का फुटबॉल समझ लिया, एक बार गोल वो और एक बार वो गोल, इस बार मैच विनर राजस्थान का युवा बनेगा। बनेगा क्या बनेगा? अरे जोर से बोलिए, लड़ाई में साथ हो आप, समय पे एग्जाम होनी चाहिए, होनी चाहिए, राज्यों का कोटा समाप्त होना चाहिए,
लीक वाले और इसके अलावा जो पेपर लीक वालों को उम्र के सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उनका अधिकार ही होगा भविष्य के साथ खेलने का। इसलिए आप लोग इस लड़ाई में आपको शामिल है, आपको न्योता देने आया हूँ, आपके बीच में आया हूँ कि अब युवा जाग चुके हैं, ये लड़ाई आर पार की लड़ाई हम लड़ेंगे। छोटी छोटी विसंगतियां हैं, छोटी छोटी चीजों की वजह से लोग रो रहे हैं, किसी टेक्निकल हेल्पर में परीक्षा केंद्र बार दे रहे हैं, ऑफलाइन एग्जाम नहीं करवा रहे, ऑनलाइन एग्जाम में फर्जीवाड़ा हो रहा है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान नहीं जोड़ा जा रहा, छोटी छोटी समस्याओं से आज परीक्षा मिलती है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान हर भर्ती में ज्यादा ज्यादा जोड़ा जाए, इससे राजस्थान के अभ्यर्थियों को ज्यादा ज्यादा फायदा हो। बाहरी राज्य का जो कोटा वाला मामला है, अरे भाई वोट कौन देता है राजस्थान के नेताओं को? यूपी और बिहार वाले देते हैं क्या? तो राजस्थान के बेरोजगार को प्राथमिकता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? पक्का मिलनी चाहिए। बोले साथ हो सभी आदमी, साथ हो। देखिए ये युवा है जालौर के, जगह जगह युवाओं से संपर्क हो रहा है। इस लड़ाई में हमें एकजुट होकर लड़ाई लड़नी है और इनको कहना है हम युवा है, और युवा का उल्टा वायु होता है, वायु चलती है तो अच्छे अच्छे लोग उठ जाते हैं। ये तो हमारे सामने है क्या कोच है क्या? कितनी बार जेल में डाला गया, भविष्य में कभी भी जेल में डाले, लेकिन जेल से नहीं डरेंगे, युवाओं का अधिकार उनका हक लेकर रहेंगे। हम सबको जागना है, इसलिए साथियों तमाम लंबित भर्तियां पूरी हो, नई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो, जो बेरोजगारी भत्ता वाला मामला हो, इसके अलावा जो और भी जो तमाम विसंगतियां बाहर राज्य का कोटा समाप्त हो, वो 4% जो उन्होंने वादा किया था जो सारे लोग एनडीसी का, वो भी उनको आरक्षण उनको मिलना चाहिए। तमाम चीज़ों को लेकर हम युवाओं से संपर्क कर एक बड़ा आंदोलन की घोषणा कर रहे हैं। आप लोगों ने मुझे मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी रहूंगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे राजस्थान में जब जयपुर से बाहर निकल के आपके सामने आए, मुझे पता चला यार ये नेता लोग कितने दिन से पता क्या करते हैं, प्लानिंग कराते हैं। ये कहते हैं कि भैया इतने लोग इकट्ठे करने हैं, इतना आपको स्वागत करना, ये करना, पूरी प्लानिंग से आते हैं और वो पब्लिक को दिखाते भीड़। यार किसान का बेटा हूँ, पैसे बांटते हैं, मैं तो किसान का बेटा हूँ। मैंने कहा, मैंने ट्वीट किया, भैया मैं वो आ रहा हूँ, मुझे किसी ने कहा भाई मेरे घर रुकना, में वही रुपया पैसे तो है नहीं भाई, खाना खा लिया रुपया आपके बीच में। यार ये मुझे आज लगा कि 9 साल के संघर्ष की असली पूंजी यह है कि एक छोटे से ट्वीट, एक छोटे से मैसेज से इतने लोग जुड़ रहे हैं और एक सरकार को एक बड़ा संदेश जा रहा है कि अब बड़ा कुछ होने वाला है, अब युवा चुप नहीं देने वाला। हर जगह जहां पाली में हो, चाहे आहोर में हो, अभी नेहरू गार्डन आपके जालौर में, अब आपके यहाँ इतनी युवा साथियों को देखते मुझे लगता है कि अब हमारी लड़ाई की जो लड़ रहे हैं उसकी जीत भी होगी, शिक्षा में सुधार भी होगा और हम इस सब जो भ्रष्ट नेता है, भ्रष्ट अधिकारी को सबक भी सिखाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ सभी युवा साथियों को, जहां आपका पसीना होगा वहां उपेन यादव का खून होगा, पीछे नहीं। तीन माह के बाद वहां मुझे साछौर में जाना है, मेरे लाइक कोई भी काम हो तो बताना। ट्विटर पर मैं सबसे पहले ट्वीट करता हूँ, यूट्यूब फेसबुक पर अपडेट देता हूँ, मैं लाइव भी आता हूँ कि आप लोगों तक सूचना पहुंचे, और मैं आपके बीच में हमेशा रहूंगा। मुझे जयपुर में कभी भी याद करना, आपके साथ ही कई लोग आते हैं। एक अभी थोड़े दिन पहले राजस्थान पुलिस की जो घटना हुई थी मांडाराम वाली, रात को उसके परिवार को धमकाया जा रहा था, मुझे पता चला रात को 12 बजे जाके मैंने लाइव किया, उनको जितना सपोर्ट किया मैंने किया, और हमेशा आपके लिए 24 घंटे तैयार रहूंगा। आप लोगों ने मुझे मान सम्मान दिया, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।